2020 ओलंपिक्स की तैयारी के लिए न केवल खिलाड़ियों की के इवेंट की ट्रेनिंग ज़रूरी है, बल्कि ये भी ज़रूरी है कि वो उस ट्रेनिंग के लिए खुद अपनी योजना कैसे बनाएं। जो खिलाड़ी अभी तक जीत चुके हैं, मीडिया के जो बहुत एक्सपीरियंस्ड रिपोर्टर्स हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, स्पोर्ट्स साइंस के अधिकारी हैं, जो एक्सपीरियंस हैं, उनसे बातचीत हो अब खिलाड़ियों की, ताकि उनसे बहुत कुछ सीख सकें। ऐसा एक माहौल, ऐसा एक वातावरण बनाने की कोशिश करी है। ये पहली बार है कि स्पोर्ट्स वर्कशॉप टारगेट ओलंपिक पोडियम के खिलाड़ियों के लिए तैयार करा गया है, और आज वो वर्कशॉप है, सुबह से लेकर शाम तक चलेगा, और इसमें इन सभी चीज़ों के बारे में कि मीडिया से किस तरह से बातचीत करनी है, स्पॉन्सरशिप्स जब आती हैं तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, आपको एकदम से फेम मिलता है तो उसमें अपने आप को किस तरह से संभाल के रखना है, कौन सी ऐसी चीज़ हैं जो पहले खिलाड़ी हैं जो जीत चुके हैं, हार चुके हैं, उनके तजुर्बे से कुछ सीखा जा सके, इस तरह का एक माहौल बनाया है। तो मेरी बधाई भी स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को और सभी खिलाड़ियों को खास तौर से कि एक इस प्रधानमंत्री जी ने एक ऐसा एक विजन दिया है जहां भारत पूरे विश्व के ऊपर छा जाए खेलों के अंदर, और उसकी तैयारी के लिए हर योजना बनाई जा रही है और हर रिसोर्स दिया जा रहा है।